जून से बुध का महागोचर। बुद्धि और वाणी के मालिक बुध, मेष से वृषभ में चले बुध, शुक्र के घर में बुध की मौजूदगी, 12 राशियों पर बुध गोचर का प्रभाव, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन में आज हम बात करेंगे बुध की। जी हाँ, बुध ग्रहों के राजकुमार हैं। हमारी बुद्धि के, हमारे वाणी के और हमारे धन धान्य के सबसे बड़े कारक कहे गए हैं। और कहते हैं ना कि बुध का काम बहुत ही शुभ होता है। और मैं आपको बता दूं कि इस 7 जून से बुध गोचर करने जा रहे हैं। अब बुध मेष राशि से निकल के वृषभ में प्रवेश करेंगे। तो अब तक मंगल के घर में थे और अब देखिए शुक्र के घर में चले जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि में। और ऐसे में शुक्र के घर में वो भी बुध की मौजूदगी 12 की 12 राशियों के लिए कैसी रहेगी, आप पर बुध की ये चाल किस तरह से आपको प्रभावित कर सकती है, आपकी हेल्थ वेल्थ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को, हर पहलू पर बात करेंगे राशि अनुसार। लेकिन आइए सबसे पहले बुध के इस गोचर के बारे में ज्योतिष शास्त्र में क्या बताया गया वो जान लेते हैं मयंक जी से। बिल्कुल, देखिए बुध जो है हर महीने राशि परिवर्तन करता है जी। कभी कभी दो बार भी राशि परिवर्तन होता है। कुछ ऐसा ही सौभाग्य इस बार जून मास में रहने वाला है कि 7 जून को तो पहले वृषभ में आएंगे जी। और फिर उसके बाद 24 जून को 12:38 दोपहर में ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यानी कि स्वराशि के हो जाएंगे बुध। तो बुध का वृषभ राशि में आना शुभ माना जाता है। उसका कारण ये है कि वो शुक्र और बुध की मित्रता है। तो जैसे ही ये वृषभ राशि में आएंगे तो निश्चित रूप से कई राशियों को बड़ा लाभ देंगे। और जिन राशियों के भाग्य के कारक हैं या धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, उन सुखों की वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर शुक्र का, बुध का ये गोचर 7 तारीख से अधिकतर मायनों में ये लाभकारी साबित होगा। और देखिए यहाँ पर पहले से ही वृषभ राशि में अभी समय सूर्य देव विराजमान है, तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी ये होगा और 15 तारीख तक ये बुधादित्य राजयोग चलेगा। यानी कि एक हफ्ते डबल फायदा उठाएंगी सभी राशियाँ जी। और जिनको विशेष लाभ मिलेगा वहाँ उनको सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग का फल भी मिलेगा 15 दिनों तक, एक हफ्ते तक 7 तारीख से लेके 15 जून तक जी। तो उनको 2-3 गुना फायदा मिल जाएगा। तो कई राशि वालों को ये जो बुध का गोचर है विशेष लाभकारी और खुशहाली देकर आ रहा है। बुध जो आपने बताया था कि धन का कारक है, संचार का कारक है जी, मान सम्मान का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, गणित का कारक है, तो इन सब चीजों की वृद्धि होगी। और बुधादित्य योग जब शुभ राशि में बनता है तो विशेष लाभकारी माना गया है। और बुध आदित्य राजयोग के चलते या फिर यूँ कहें कि बुध के इस गोचर के चलते किन कौन कौन सी वो राशियां हैं जो लाभ उठा पाएंगी, राशि अनुसार जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की राशि मेष के बारे में। देखिए मेष राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और आपका काम कारोबार भी अच्छा चलेगा। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों को इस समय काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है आने वाले, अगर तकरीबन बात करें 24 जून तक जी, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और जब तक बुध के साथ यहाँ पर रहेंगे सूर्य, तो विशेष लाभ योग बनेगा जो कि 15 जून तक है। तो कुल मिलाकर ये समय बढ़िया है, कोई नई शुरुआत करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। वृषभ में यानी कि इन्हीं के घर में बुध अब मौजूद रहेंगे तो इनके लिए कैसा रहेगा? देखिए वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। आपके लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, क्योंकि बुध जो है शुक्र के घर में आए तो प्रेम संबंध मजबूत होंगे, सुख साधन भी बढ़ेंगे और आपका काम कारोबार भी अच्छा चलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नए कार्य की शुरुआत इस समय होती हुई नजर आ रही है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, तो बुध क्योंकि इन चीज़ों का कारक है तो इन सुखों में वृद्धि करेगा और आपकी आय भी बढ़ाएगा। मैं मिथुन के लिए, देखिए मिथुन राशि वालों के 12वें भाव में ये योग बनेगा, तो धन लाभ होने के साथ साथ खर्च वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। खर्च इस समय थोड़ा सा अधिक रहने वाला है जी। लेकिन कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए एक तरीके से लाभकारी कहा जा सकता है। थोड़ा सेहत का मिथुन राशि वालों को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राशि का स्वामी अपनी राशि से 12वें भाव में है और 6ठे भाव को वो देख रहा है। सेहत का आपको यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धन का निवेश सोच समझ कर करना चाहिए। कर्क राशि, इनके लिए बड़ा जबरदस्त है। देखिए सूर्य बुध की युति और वो भी लाभ स्थान में, तो धन लाभ कमाने के लिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको बिजनेस में अच्छा लाभ होगा, आप राजनीति में हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं
आप शिक्षक हैं या आप मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। धन कमाने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। संतान सुख की वृद्धि होगी। सिंह कितना फायदा उठा पाएगी? सिंह राशि वालों के बुधादित्य योग दशम भाव में आपके सरकारी कार्यों में बड़ी विशेष सफलता मिलेगी। काम कारोबार में प्रमोशन होगा। राजनीतिक जो लोग हैं उनको अचानक से उच्च पद की प्राप्ति होगी। मान सम्मान की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर ये गोचर आपके सुख साधनों में वृद्धि करेगा। काम कारोबार भी आपका अच्छा खासा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए जबरदस्त राजयोग है। कन्या राशि वालों के भाग्य स्थान में ये राजयोग बनता हुआ नजर आ रहा है तो भाग्य भी अच्छा साथ देगा। और सरकारी नौकरी के जो लोग इच्छुक हैं कन्या राशि वाले उनको आने वाले समय में सफलता मिलेगी। अगर आप इस समय विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है। काम कारोबार अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बनेंगे। तुला राशि वालों के लिए ये योग थोड़ा मध्यम रहेगा कविता जी, क्योंकि इनके भाग्य के कारक ग्रह और लाभ के कारक अष्टम भाव में आ गए हैं तो धन का निवेश नहीं करना चाहिए अन्यथा धन हानि हो सकती है। लेकिन व्यापार में लाभ अच्छा खासा होगा क्योंकि बुधादित्य राजयोग और धन भाव की दृष्टि है जी। लेकिन किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें तुला राशि वालों। वृश्चिक राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। चाहे काम कारोबार हो बिजनेस हो वो भी अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत रहेगी। मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और आपके सुख साधन भी बढ़ेंगे। धनु राशि वालों के छठे भाव में ये गोचर व्यर्थ की परेशानियां खर्चों में इजाफा कर सकता है। तो इस समय आपको क्या करना है कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। धन का भी कहीं निवेश ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सामान्यतः अगर हम देखें तो नौकरी बिजनेस में आपको सामान्य लाभ मिलता चला जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि मकर को बुध के इस गोचर से कितना लाभ है। जबरदस्त धन लाभ मिलेगा इनको मकर वालों को इस गोचर के दौरान। पंचम भाव में युति बंदी है, आपके काम कारोबार में वृद्धि करेगी। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे और व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होगा। संतान सुख की वृद्धि भी होगी। तो कुल मिलाकर ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। कुंभ के लिए भी शानदार रहेगा। बिल्कुल, कुंभ राशि वालों की बात करें तो चतुर्थ भाव में युति बनी है जिससे आपके सुख साधनों में वृद्धि हो रही है। अगर आप कुंभ राशि वाले जो जातक अभी अगर कार लेने की सोच रहे हो तो उसकी योजनाएं बन सकती हैं। और इसके साथ साथ आपके काम कारोबार में भी इस महीने वृद्धि होगी। खासकर 24 तारीख तक जब तक कि यहाँ पर बुध की स्थिति रहेगी जी। ओवरऑल बात करें तो आपके लिए एक अच्छा समय है। मेहनत कीजिए तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मीन के लिए मयंक जी। मीन राशि वालों के तीसरे भाव में योग बनेगा। जो मीन राशि वाले राइटर हैं, पोएट हैं, पत्रकार हैं, उनके लिए गोचर बहुत ही शानदार है। काम कारोबार अच्छा रहेगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी। धन लाभ के योग बनेंगे। और बात करें अगर आपके बिजनेस में तो उसमें भी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। तो कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। तो देखिए मैं ये तो हमने आपसे जाना कि ये बुध का गोचर 12 की 12 राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है 7 जून के बाद। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बुध की कृपा पाने के लिए और जहाँ बुध व्यक्ति के ज़िंदगी में कमज़ोर पड़ रहे हैं उसे और अधिक बलवान बनाने के लिए क्या कुछ उपाय हैं जो इस दौरान 12 की 12 राशियाँ कर सकती हैं। देखिए, बुध को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक तो इलायची का सेवन करें, गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को बुधवार के दिन आपको क्या करना है, सिंदूर चढ़ा के आना है जी। उनको लड्डू चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन अगर आपको कोई किन्नर मिल जाए तो उसको वस्त्र इत्यादि दें, हरे रंग के दान दक्षिणा दें, खाना खिला दें, बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करना श्रेयस्कर रहता है या हरी वस्तुओं का, हरी सब्जियों का दान करना बहुत ही अच्छा रहता है इस दिन। ये सब करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। गणपति जी की आराधना करें तो निश्चित रूप से आपको बड़ा सुफल मिलेगा। इसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहे, शुभमय रहे। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दुनिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।